बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चले आपका ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज हम आपको शिफॉन का टॉप बनाना सिखाएंगे। तो बैगी टॉप हमने बनाना है। तो ये देखें, इसकी जो हमने लंबाई है वो हमने लेनी है 25 इंच। 25 इंच हमने इसकी लंबाई ले ली है। जो हमने नीचे इसके फ्रिल लगानी है, तो ये देखें 25 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। और जो इसकी चौड़ाई है वो हम लेंगे 28 इंच। तो ये 28 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है। और 12 इंच जो है वो हम इसकी पेटी की लंबाई लेंगे, जो हमने इसके ऊपर पेटी डालनी है फ्रॉक के। तो ये देखें, ये इधर मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, इसके 8 इंच पे निशान लगाऊंगी इधर, और इसको फोल्ड करने के बाद ये 16 इंच हो जाएगी। तो ये सिर्फ तीरे वाली हमने, मतलब कि उतना कपड़ा लेना है जो कि तीरे का नाप हमने लिया है। तो ये इस तरह इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, ये हमारे 4 पीस हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, ये भी हमारे 4 पीस हैं। तो इसको मैं इस तरह से ऐसे रख के इधर मैं इस तरह से ऐसे चुंटे डालूँगी इसकी, और इसके साथ अब मैं जो दूसरा पीस है वो रखूँगी। इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसको फोल्ड करेंगे, ये डबल पीस है, ये हमारे 4 पीस हो जाएंगे। इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके साथ हम इस तरह से रखेंगे इसको। तो इधर 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और इधर 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो साइड की कलियां हमने डालनी है, और बाजू भी इसके अंदर से ही निकालेंगे। इसकी बैगी जो है वो कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ऐसे हम सारा निशान लगा लेंगे। ये टॉप जो हमने बनाना है, ये बैगी बनाया है हमने। तो इस तरह हम इसकी कटिंग कर देंगे निशान लगा के। तो नीचे भी 7 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह हम सारे निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। जो हमने कलियां डालनी है वो हम 7 इंच की चौड़ाई वाली कलियां डालेंगे। तो इस तरह हम ऐसे निशान लगा के, तो इसके अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो बाजू जो हैं वो भी हम इसके अंदर से ही निकालेंगे। बाजू जो हैं वो हमने बैगी बनाने हैं, और साथ में इसकी ये वाली कलियां डालनी हैं। ये कट्ठे बाजू और जो कलियाँ हैं वो हमने काट ली हैं। तो नेक जो है वो मैं 3 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी, और 3 इंच इसकी लंबाई लूँगी। तो फिर इस तरह हम ऐसे इसके निशान लगा के इसको गुलाई का निशान देंगे। ये फ्रंट साइड की मैं कटिंग कर रही हूँ, और बैक साइड जो है वो उसको मैं 2 इंच पे इसका निशान लगाऊँगी। लंबाई जो है 2 इंच रखूँगी इसकी। फ्रंट की हमने 3 इंच ली है। तो ये तीरे का निशान आधा इंच मैंने लगाया, और इधर से हम ऐसे कटिंग कर देंगे। तो अब जो इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगानी है वो हमने लगा ली है, और लूप्स जो हैं वो मैंने पहले से ही तैयार कर लिए थे। तो अब अगली साइड पे हम लूप्स लगा के गला बनाएंगे। तो इस तरह हम ऐसे इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये शिफॉन का हमने टॉप जो है वो तैयार करना है। तो इस तरह से हम लूप्स जो है वो सारे लगा लेंगे, और हमारा जो टॉप है वो बहुत ही खूबसूरत बैगी तैयार हो जाएगा। बैगी जो है वो हमने बनाना है टॉप, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हो जाएगा। यकीनन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुश रहें। तो ये देखें, ये हमने लगा लिए हैं लूप्स सारे। तो ये हमने सामने जो फट्टी बनानी है वो हम बटन टेक बनाएंगे, इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। ये देखिए, ये लूप्स जो हैं वो हमने लगा लिए हैं। अब इसके नीचे जो हमने लूप्स के जो हमने कपड़ा लगाना है, वो इस तरह से हम ऐसे रख के तो ऊपर इसके सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई जो है वो हमने लगा लिया। अब जो हमारा दूसरे साइड का पीस है वो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस तरह से ऐसा रख के सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से हम इसको इधर से पक्का कर लेंगे। ये दो जो हमने लूप्स हैं उसको छोड़ दिया है, वो कवर नहीं किया क्योंकि इधर हमने बटन टेक बटन बंद करने वाला लगाएंगे। तो ये देखें फ्रिल जो वो जो हमने सामने उसको बटन टेक जो है वो हमने बना ली। ये हमारी बैक साइड है, अब मैं इसके कंधे जोड़ दूंगी इसके साथ। इस तरह इसको ऐसे कंधे जोड़ के सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कंधे जो हैं वो हमने जोड़ लिए हैं। तो अब मैं इसकी जो फ्रिल है नीचे जो हमने इसके पीस लगाना है उसको बखिया लंबा करके इस तरह से चुंटे डाल लेंगे। तो चुंटे जो हैं वो मशीन के साथ ही बहुत अच्छी डल जाती है। आप बखिया लंबा करके चुंटे डालें तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बराबर चुंटे जो हैं वो आ जाती हैं। अगर कोई कमी पेशी हो तो वो बंदा फिर बाद में थोड़ा सा सही कर लेता है, लेकिन ऐसे भी ना चुंटे जो हैं अच्छी डल जाती हैं। तो ये देखें ये हमारी चुंटे जो हैं ना वो पीस हमारा ज़्यादा है इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। तो चुंटे जो हैं वो मैंने खींच के, तो चुंटे जो हैं वो आपने डालनी है वो नीचे की तरफ जो धागा होता है उसकी डालनी है, उसको खींचना है आपने, ठीक है, उसको खींच के तो चुंटे डालनी है। तो इस तरह से ऐसे इसको रख के इधर सिलाई लगा लूँगी और दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही ऐसे इसको रखूँगी और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे करने के बाद इसको मैं इधर से सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से जो हमने पेटी है वो तैयार कर ली है और इसके साथ हमने नीचे वाली जो फ्रिल है वो जोड़ ली है। और ये जो हमारा बैगी बाजू भी है और कलियां भी हैं तो इधर रख के मैं सिलाई लगा दूंगी और दूसरी साइड को भी इसी तरह ही ऐसे रख के तो सिलाई लगाऊंगी। तो ये माशाल्लाह टॉप जो है बहुत ही खूबसूरत बन जाना है। ये बाजू जो इस तरह से ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, ब्रेक ब्रेक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है दोनों बाजुओं के पे और अब मैं इसके साथ जो है जो हमने फ्रॉक तैयार की है इसके साथ हम बाजू भी और कलियां भी इकट्ठी जो हमने बैगी बनाई है इसके साथ हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इस तरह हम ऐसे इसको रखेंगे और इधर सिलाई लगाऊंगी और फिर इधर सिलाई लगा दूँगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही ऐसे रख के मैं सारी आपस में इसको जोड़ के तो सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से इधर भी मैं ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें इधर भी हम इसी तरह ही ऐसे जोड़ के, तो जो कलियां और बैगी बाजू थे वो हमने साथ इसके जोड़ लिए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये टॉप बन जाना है। तो ये देखें ये जोड़ लिया है हमने इसके साथ। तो अब मैं इसकी जो चुंटे डालनी है वो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि पेटी हमने 12 इंच रखी थी, कटिंग हो के सिलाई हो के ये 10 इंच रह गई है, 10 सवा 10 इंच रह गई है। तो इधर भी निशान इसी तरह ही लगाऊंगी। तो इधर निशान लगाने के बाद इधर कैंची से मैं ऐसे कट लगा लूँगी ताकि दोनों साइडों पे जो है कट वो हमने जो लास्किट लगाना है वो हमारा बराबर आए। तो इस तरह से ऐसे हम कट लगा लेंगे। तो इधर हमने चुंटे डालनी है, ये हमने 4 इंच जो लास्किट है वो डालना है साइड पे। तो ये देखे 4 इंच लास्किट है तो इधर हम ऐसे डालेंगे, इस तरह से ऐसे चुंटे डाल लेंगे लास्किट के साथ। तो इधर रखेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही मैं लास्किट के साथ इधर चुंटे डाल दूँगी। तो ये माशाल्लाह से देखें चुंटे हमने डाल ली हैं लास्किट की। तो ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारा हमारा टॉप बन जाना है। तो बैक साइड पे भी हमने इसी तरह ही लगाई है। तो अब मैं गले के ऊपर ये देखें मगजी लगाऊंगी, इसको अंदर की तरफ फिर फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से ऐसे सिलाई लगाऊंगी और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दूँगी। तो गले के ऊपर भी हमने मगजी लगा ली है, अब मैं इसकी साइड की जो है वो सिलाई लगाऊंगी और माशाल्लाह फिर टॉप जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा।
तो ये देखे इधर इसको भी ऐसे साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। तो ये देखे माशाल्लाह से सिलाई हमने लगा ली। अब जो नीचे से हमने इसको फोल्ड करना है और जो हमने कलियां डाली हैं इसके साथ हम इनको ऐसे बराबर करके इनको आपस में ऐसे जोड़ के तो नीचे से जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखें ये हमने कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी जो नीचे का घेरा है वो इस तरह से ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। और ये देखें माशाल्लाह से घेरा जो है वो भी हमने सिलाई लगा ली है, फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारे पास स्टोन है जो कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से इसको ऐसे रख के ये बटन टेक पे हमने बनाना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से स्टोन लगा के तो इस तरह हम ऐसे इसको कर लेंगे बल दे के ताकि हमारे ये बटन की शक्ल बन जाए। तो इस तरह हम ऐसे इसको करेंगे और फिर दूसरा जो है वो भी इसी तरह लगाएंगे जो हमने लुक्स लगाने हैं लगाए हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से तो दूसरा भी इसी तरह ही लगाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने लगा लिए हैं। तो बहुत खूबसूरत हमारा ये टॉप बन गया है। ये बैगी हमने टॉप बनाया है तो बहुत प्यारा हमारा ये टॉप लग रहा है। तो यकीनन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हज़ारों खुशियाँ दें। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये बैक साइड है हमारी फ्रॉक बैगी टॉप की और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारा ये टॉप बन गया है। न्यू स्टाइल में हमने बनाया है। तो मुझे यकीन है कि आपको वाकई ये पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।